नमस्कार, मैं दिव्या धराधर। 30 खबरों में आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं देश प्रदेश के अब तक प्रमुख खबरों को। नई दिल्ली हाजीपुर मुजफ्फरपुर रेलखंड पर यात्रियों की सतर्कता से बड़ा हादसा होने से टल गया, जब पवन एक्सप्रेस टूटे पहिए पर 35 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दौड़ गई। जब खटखट की आवाज आने लगी तो यात्रियों ने चेन पुलिंग करके ट्रेन को रोका, जिसके चलते बड़ा हादसा होने से टल गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पैरोकारी के बाद से देश में चर्चा का केंद्र बने समान नागरिक संहिता को लागू करने में ईसाई समाज को कोई खास ऐतराज नहीं है। समुदाय के लोगों के अनुसार मोटे तौर पर क्रिश्चियन कानून में कोई ऐसा भिन्न प्रावधान नहीं है जो समान नागरिक संहिता में नहीं होगा। पश्चिम के ईसाई बहुल देशों में यह कानून पहले से ही है। देवघर श्रावणी मेले का उद्घाटन सोमवार को झारखंड बिहार की सीमा दुम्मा में होगा। इसके बाद कांवरियों के लिए बाबा नगरी का द्वार खोल दिया जाएगा। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख मेले का उद्घाटन करेंगे। श्रावणी मेला शुरू होने से पहले ही बाबा नगरी में कांवरियों का आना शुरू हो गया है। भक्त 4 जुलाई से बाबा वैद्यनाथ को अर्घ के माध्यम से जल चढ़ाएंगे। इधर श्रावणी मेले को लेकर प्रशासनिक तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का कर्नाटक, तेलंगाना और महाराष्ट्र का 5 दिवसीय दौरा आज से शुरू होगा। इस दौरान वह श्री सत्य साई विश्वविद्यालय और गोंडवाना विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लेंगी। इसके अलावा राष्ट्रपति हैदराबाद में अल्लूरु सीताराम राजू की 125वीं जयंती के समापन समारोह को भी संबोधित करेंगे। वह नागपुर के कोराडी में भारतीय विद्या भवन के सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। दिल्ली मेट्रो में शराब ले जाने की छूट मिलने के बाद अब कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या ट्रेन में भी शराब ले जा सकते हैं। कई लोग जानना चाहते हैं कि क्या वे ट्रेन में सीलबंद शराब की बोतल ले जा सकते हैं। नेटवर्क 18 के रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी दीपक कुमार ने बताया कि ट्रेन में शराब ले जाना पूरी तरह से प्रतिबंधित है। ट्रेन में आप शराब की बोतल लेकर यात्रा नहीं कर सकते हैं। अगर कोई यात्री ट्रेन में शराब ले जाता हुआ पाया गया तो वह रेलवे की ओर से उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 145 के तहत कार्रवाई कर सकती है। चीन के साथ ताइवान के बढ़ते तनाव के बीच इस स्वशासित द्वीप के शीर्ष नीति निर्माताओं ने कहा है कि प्रमुख ताइवानी प्रौद्योगिकी कंपनियां अपना जोखिम कम करने के लिए अपने विनिर्माण केंद्रों को भारत में स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। ताइवान के राष्ट्रीय विकास उपमंत्री काओ सीएन क्यू ने कहा है कि सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों के विनिर्माण सहित उभरती और महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों के क्षेत्रों में नई दिल्ली और ताइपे के बीच सहयोग की बहुत अधिक गुंजाइश है। किसी भी देश की आर्थिक स्थिरता और आम लोगों की प्रगति का एक बड़ा पैमाना रियल एस्टेट सेक्टर होता है। भारत का रियल एस्टेट सेक्टर बीते एक दशक में बड़े बदलाव और झंझावतों के बावजूद तेजी से प्रगति कर रहा है। यह बात रिजर्व बैंक की रिपोर्ट से सही साबित होती है। RBI की ताजा रिपोर्ट के अनुसार लोग तेजी से होम लोन की ओर रुख कर रहे हैं। देश के कुल कर्ज में होम लोन की हिस्सेदारी लगभग बढ़कर 14% से भी अधिक हो गई है। बिहार में राज्य सरकार के दस्तावेजों में जाति आधारित गणना कहा गया, लेकिन राज्य के हर व्यक्ति की जाति पूछकर उनका रिकॉर्ड तैयार किए जाने के आधार पर पटना हाईकोर्ट ने इसे प्रथम दृष्टया जाति आधारित जनगणना माना है। चूंकि जनगणना का अधिकार केंद्र सरकार के पास है, इसलिए हाईकोर्ट ने सरकार की दलील नहीं मानी। कुछ ऐसा ही सुप्रीम कोर्ट में भी हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने ना तो हाई कोर्ट के फैसले को सही बताया ना ही गलत, लेकिन सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय ओक ने स्पष्ट कहा है, हमें यह देखना है कि सर्वे के नाम पर यह जनगणना तो नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने हाल ही में एक रिपोर्ट पेश की जिसमें उन्होंने भारत का नाम उस लिस्ट से हटा दिया है जिसमें बच्चों पर पड़ने वाले सशस्त्र संघर्ष का प्रभाव शामिल था। इसका मतलब है कि कश्मीर में बच्चे पहले के मुकाबले ज़्यादा सुरक्षित हैं। भारत को 2010 से ही बुर्किना फासो, कैमरून, लेक चाड बेसी, नाइजीरिया, पाकिस्तान और फिलीपींस सहित अन्य देशों के साथ रिपोर्ट में शामिल किया गया था। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता अजीत पवार ने एकनाथ शिंदे के नेतृत्व वाली महाराष्ट्र सरकार में उप मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के बाद पार्टी की कार्यकारी अध्यक्ष एवं उनकी चचेरी बहन सुप्रिया सूले ने रविवार को कहा कि राकांपा के मौजूद घटनाक्रमों का विपक्षी दलों की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा। अजीत पवार की बगावत का असर विपक्षी एकता पर भी दिख रहा है। बेंगलुरु में होने वाली विपक्षी पार्टियों की बैठक अब टाल दी गई है। कांग्रेस नेता के सी वेणुगोपाल ने कहा है कि अगली मीटिंग कब होगी इसका ऐलान जल्द ही किया जाएगा। पटना में हुई विपक्षी पार्टियों की मीटिंग के बाद अगली बैठक 13-14 जुलाई को बेंगलुरु में होने वाली थी। अजीत पवार के बीजेपी के साथ चले जाने की वजह से समूचा विपक्ष सदमे में है। विपक्षी पार्टियों के नेताओं ने भी आरोप लगाए कि बीजेपी दबाव की राजनीति कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मंगलवार को संघाई सहयोग संगठन के वर्चुअल शिखर सम्मेलन की कल मेजबानी करेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ सहित अन्य सदस्य देशों के नेताओं को इसमें हिस्सा लेने की उम्मीद है। SCO शिखर सम्मेलन के दोपहर 12:30 बजे शुरू होने और लगभग 3 बजे समाप्त होने की उम्मीद है।
आरबीआई द्वारा मई में 2000 के नोटों की वापसी का बड़ा फैसला लिया गया था। इस प्रक्रिया के तहत अब तक 50% नोट बैंक में आ चुके हैं, लेकिन रिजर्व बैंक के इस फैसले के खिलाफ दिल्ली हाई कोर्ट में दायर एक याचिका पर आज बड़ा फैसला आया है। दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा और न्यायाधीश सुब्रमण्यम प्रसाद ने सोमवार को भारतीय रिजर्व बैंक के 2000 रुपये के नोट को चलन से वापस लेने के फैसले को चुनौती देने वाली जनहित याचिका खारिज कर दी। इससे पहले याचिका पर 30 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। देश में विपक्ष लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र की सत्ता में बैठी मोदी सरकार को हटाने के लिए एकजुट होकर चुनावी जंग जीतने की तैयारी में लगी हुई है। पिछले ही दिनों बिहार की राजधानी पटना में हुई विपक्ष की बैठक के बाद अब समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव से मुलाकात करने हैदराबाद पहुंचे। बीआरएस नेताओं ने एयरपोर्ट पर सपा मुखिया का स्वागत किया। एनसीपी नेता शरद पवार ने पार्टी में टूट के बाद रविवार को मीडिया से बात करते हुए बीजेपी पर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि मैं फिर से पार्टी खड़ा करके दिखाऊंगा। उन्होंने अजीत पवार के दावे पर कहा कि कुछ दिनों के बाद इस दावे की सच्चाई सामने आएगी। जम्मू कश्मीर पुलिस ने अमरनाथ यात्रियों पर लाठीचार्ज के आरोपों का खंडन किया और इसे पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार बताया है। गांधरबल पुलिस ने एक आधिकारिक बयान में कहा है कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो प्रसारित हो रहा है जिसमें आरोप लगाया गया है कि पुलिस ने यात्रियों पर लाठी चार्ज किया है। हालांकि यह खबर पूरी तरह से मनगढ़ंत और निराधार है। खालिस्तानी समर्थकों ने कनाडा में भारतीय राजनयिकों को धमकी दी है। इसका एक पोस्टर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इसमें 8 जुलाई को खालिस्तानी रैली निकालने की बात भी कही जा रही है। खतरे को देखते हुए भारत ने चेतावनी दी है कि अगर कोई देश खालिस्तानियों को जगह देगा तो उसका असर सीधा हमारे रिश्तों पर पड़ेगा। केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 14वीं किस्त अभी तक किसानों के खाते में नहीं आई है। मीडिया रिपोर्ट में बताया गया है कि पीएम किसान की किस्त का इंतजार कर रहे किसानों को मिड जुलाई तक पैसा मिल सकता है। कुछ रिपोर्ट में यह भी दावा किया जा रहा है कि सरकार बहुत जल्द पीएम किसान निधि की किस्त जारी कर सकती है। बहुजन समाज पार्टी के सुप्रीमो मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर बड़ा बयान दिया है। बसपा चीफ मायावती ने यूनिफॉर्म सिविल कोड का समर्थन कर दिया है। मायावती ने कहा है कि अगर यहां सभी धर्मों के मानने वाले लोगों पर हर मामले में एक समान कानून लागू होता है तो इससे देश कमजोर नहीं बल्कि मजबूत होगा। बसपा चीफ ने आगे कहा है कि इससे देश के लोगों में आपसी भाईचारा भी पैदा होगा। इसी को ध्यान में रखकर ही भारतीय संविधान में यूनिफॉर्म सिविल कोड का जिक्र किया गया है। इस दौरान बसपा चीफ मायावती ने यह भी कहा कि बसपा यूसीसी का समर्थन करती है लेकिन इसे जबरन थोपा नहीं जा सकता है। इसके लिए जागरूकता और आम सहमति बनानी जरूरी है। राजकीय पॉलिटेक्निक राघोपुर सुपौल बिहार में इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के छात्र हैं। अपनी टीम के साथ उन्होंने IIT पटना द्वारा आयोजित 3 दिवसीय स्मार्ट बिहार हैकथॉन प्रोग्राम में हिस्सा लिया। आपको बता दें कि इस प्रतियोगिता में कुल 25 टीमों ने हिस्सा लिया था। ग्रामीण इलाकों में एक बार बेरोजगारी दर में बढ़ोतरी देखी जा रही है जिसके चलते जून महीने में बेरोजगारी दर 8% के पार जा पहुंची है। एम्प्लॉयमेंट को लेकर डेटा तैयार करने वाले निजी संस्थान सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडिया इकोनॉमी ने डाटा जारी किया है जिसके मुताबिक जून 2023 में बेरोजगारी दर 8.45% पर जा पहुंची है जबकि मई में यह आंकड़ा 7.68% पर था। रेलवे की तरफ से आम जनता की सुविधाओं को ध्यान में रखते हुए अब केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की तरफ से बड़ी खुशखबरी दी गई है। इस समय देश भर के तेजी से वंदे भारत ट्रेनों का विस्तार किया जा रहा है। अब रेल मंत्री ने तारीख का ऐलान करते हुए बताया कि कब से आप लोग वंदे भारत स्लीपर ट्रेन में सफर कर सकेंगे। जल्दी वंदे भारत स्लीपर ट्रेन पटरियों पर दौड़ती हुई नजर आएगी। अब आप इस ट्रेन में आराम से लेटकर सफर कर सकेंगे। फरीदाबाद रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास बनाने के लिए रेलवे 262 करोड़ रुपए खर्च करेगा। स्टेशन के कुछ पुराने भवनों को तोड़कर एयरपोर्ट के तर्ज पर 2 नई बिल्डिंग बनाई जाएंगी जिनमें आपस में गलियारे से जोड़ा जाएगा। रेलवे स्टेशन के मास्टर प्लान, सर्कुलेशन प्लान, स्टेशन बिल्डिंग, नॉर्थ फुट ओवरब्रिज और मल्टी लेवल कार पार्किंग के लिए पुराने आवासीय भवनों को तोड़ने का काम भी शुरू हो गया है। यूके स्पेस कमांड के हेड एयर वॉइस मार्शल पॉल ग्रोटफे के मुताबिक चीन और रूस चांद पर खुदाई में कई अरबों रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं। इस स्पेस एक्सप्लोरेशन से वो धरती के लिए तबाही का सामान जुटा रहे हैं। चांद पर कॉस्मिक न्यूक्लियर हथियार के लिए जरूरी सामान जुटाने के लिए लगातार ये दो देश खुदाई कर रहे हैं। पहले कार की रेटिंग के लिए ग्लोबल न्यू कार असेसमेंट प्रोग्राम के पास अपनी कार को भेजना पड़ता पर अब सरकार सेफ्टी का एक नया पहल लेकर आई है। अब भारत कार की सेफ्टी खुद ही करेगा और अपनी कार की सेफ्टी रेटिंग दे सकेगा। इस रिपोर्ट को क्रैश टेस्ट रेटिंग भारत NCAP जारी करेगा। केंद्रीय पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एवं तकनीकी संस्थान के स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट सेंटर उत्तर प्रदेश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को लोकार्पण करेंगे। इसका शिलान्यास भी पीएम ने ही 15 जुलाई 2021 को किया था। देश का 43वां केंद्र करसरा में करीब 40.10 करोड़ की लागत से 10 एकड़ भूमि में बना है। यहाँ हर साल कौशल युक्त लगभग 2000
युवाओं की फौज तैयार होगी या केंद्र पूर्वांचल के युवाओं के लिए वरदान साबित होगा। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव आज भारत 6G अलायंस को लॉन्च कर रहे हैं। टेलीकॉम डिपार्टमेंट का कहना है कि भारत 6G अलायंस अगले दशक में उभरती टेलीकॉम टेक्नोलॉजी और प्लेटफॉर्मों के विभिन्न पहलुओं पर विचार विमर्श करेगा और भारत को 2030 तक 6G टेक्नोलॉजी मैन्युफैक्चरिंग में अग्रणी योगदान करने वाला बनने में सक्षम बनाएगा। मक्के की लहलहाती फसल को बर्बाद करने यूपी, बिहार और एमपी होते हुए अमेरिकी कीट स्पोर डोपेट्रा फुर्गी पर्डा, जिसे फॉल आर्मी वर्म कीट के नाम से भी जाना जाता है, झारखंड पहुंच चुका है। इससे झारखंड के लाखों हेक्टेयर जमीन पर मक्का का फसल बर्बाद होने का खतरा बढ़ गया। बता दें कि स्पोर डोपेट्रा फुर्गी पर्डा मक्के के पत्ती में छेद कर फसल को 15 से 20 दिनों के अंदर ही बर्बाद कर देता है। हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया था। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया, उनके नाम है खुशबू कुमारी, मोहम्मद साकिर हुसैन, रविशंकर नौसाद अंसारी, मोहम्मद सरफराज। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की और आज का सवाल है, आपका पसंदीदा पर्यटन स्थल कौन सा है? आप अपना जवाब हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।